हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर और आप जूबी व्लॉग्स देख रहे हैं। पिछले कुछ मंथ से मैं वीडियोस तो नहीं बना रहा था, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं काफ़ी बिज़ी भी हो गया था। बट स्टिल अब आई गॉट सम टाइम, तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई वीडियो बनाई जाए, आपको बताया जाए कि क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अपना स्टडी रिलेटेड स्टफ़ कि भाई आप एक कंट्री से मूव हो गए हैं दूसरी कंट्री में, आप स्टडी करने आए हैं तो आपको क्या मिलेगा। नर्सिंग करने आप आ गए हैं तो आपको भाई स्टडी क्या करना है, कैसे आपने पास करना है, कैसे हर चीज़ क्रैक करनी है और इन द नटशेल कैसे आपने पास करनी है। तो ये चीज़ें आपको बताऊँगा। असेसमेंट, मेरे 3 मेड्यूल्स हैं, उनकी असेसमेंट किस तरह है फर्स्ट ईयर की। तो जब आप फर्स्ट ईयर पास करने के लिए, वो 3 मेड्यूल्स आपने पास करने हैं, तो इंशाल्लाह उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता चले, क्योंकि जो भी स्ट्रगल है आपने इस कोर्स लेने के लिए करनी है, वो आपने अपनी होम कंट्री में अपने अपने पेरेंट्स के पास, अपने अपनों के पास आपने करनी है। बट यहाँ पे जब आपने आना है या यहाँ पे जो भी मुश्किल आएंगी वो आपने अकेले फेस करनी है, तो आपने बस तन्हे तन्हा एक डिफरेंट कंट्री में होना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई वो क्या होगा आगे सिनेरियो। आप नर्सिंग में तो आ गए हैं, फिर आगे क्या सिनेरियो होगा, किस तरह पढ़ना है, किस तरह पास करना है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी गाइस, तो स्पेसिफिकली तो ये नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी जहाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं उसके रिलेटेड ही आपको बताऊँगा। बट स्टिल मुझे मेरा इंट्रैक्शन हुआ, क्योंकि आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई फर्स्ट प्लेसमेंट, तो मेरा वहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के साथ इंट्रैक्शन हुआ, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ वुलरहैम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी एंड बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, एज वेल एज और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, आई थिंक एक दो और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे। बट ये जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने मेंशन किए हैं, इनके ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ हमारे मेरी यूनिवर्सिटी के करीब हैं। तो हमारा इंट्रैक्शन हुआ और आगे चल के मैं आपको बताऊँगा अपनी प्लेसमेंट के बारे में भी अगली वीडियो में। बट स्टिल आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि असेसमेंट्स, जस्ट असेसमेंट्स के बारे में बताऊँगा कि भाई कोर्स की असेसमेंट क्या है। जब आप स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं तो भाई आपने पास किस तरह करना है कोर्स, ये आपको आज मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। तो जैसे कि मुझे पता था जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था कि मेरे कोर्स में 3 सालों में मैंने 9 मेड्यूल्स कंप्लीट करने हैं टू पास अ डिग्री। और जैसे आप सब करते हैं, इस तरह मैंने भी क्या से कहते हैं क्रैमिंग की थी कि मेड्यूल्स के नाम याद कर लिए थे। तो अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ कि उन मेड्यूल्स में है क्या, बट स्टिल इंटरव्यू में बताने के लिए कि भाई हाँ मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, तो मैंने वो मेड्यूल्स पढ़े थे। तो वो 9 मेड्यूल्स थे और उन 9 मेड्यूल्स को यूनिवर्सिटी ने डिवाइड किया है ईयर्स पे। हमारी डिग्री जो है वो बीएससी नर्सिंग किसी भी फील्ड की, अडल्ट चाइल्ड जो भी है, इट्स स्टिल डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। आप लेवल 3 पे होते हैं जब आप फर्स्ट ईयर स्टार्ट करते हैं, देन आप चले जाते हैं लेवल 4 पे जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लेवल 5 पे सेकेंड ईयर एंड देन लेवल 6 पे। तो जब आप नर्सिंग 3 साल का कंप्लीट करते हैं तो यू आर ऑन लेवल 6, उसके बाद आप मास्टर लेवल 7 पे चले जाते हैं, जैसे सबको पता है। तो लेवल 3 में 3 हैं, लेवल 4 में 3 हैं और लेवल 5 में 3 हैं। अभी मैंने 4th 5th का इतनी सॉरी अगली सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का मुझे नहीं इतना पता, ना मैंने स्टडी किया है, बट स्टिल क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर को, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई फर्स्ट ईयर में क्या है। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ सितंबर में। तो सितंबर में जब मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो मैं डिफरेंट कंट्री से आया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी भाई चल क्या रहा है, करना क्या है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में, खास इंडिया में भी एग्ज़ाम्स होते हैं ईयरली, और यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम के बाद 6 मंथ्स के बाद होता है, एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे कोर्सेज के स्टूडेंट से पता चल रहा था भाई असाइनमेंट ही वो जमा करवाते हैं या कुछ थोड़े बहुत एग्ज़ाम्स होते हैं, बट नर्सिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहला उन्होंने मेड्यूल स्टार्ट किया सितंबर में, उन्होंने 2 मेड्यूल स्टार्ट किए हमारे। एक था जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने दे सेट के नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग प्रैक्टिस,
और दूसरा उन्होंने साथ ही स्टार्ट कर दिया फाउंडेशन ऑफ अप्लाइड नर्सिंग प्रैक्टिस। अब जो फाउंडेशन ऑफ अप्लाइड नर्सिंग प्रैक्टिस मेडूल था वो कंटिन्यूस रहेगा फुल ईयर में, और जो हमारा है मतलब इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग प्रैक्टिस वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर 4 मंथ का होता है यहाँ पे, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो मेड्यूल था। सेकंड ट्राइमेस्टर जो अब मैं पढ़ रहा हूँ उसमें दूसरा मेड्यूल है, बल्कि तीसरा मेड्यूल है इंटीग्रेटेड नर्सिंग प्रैक्टिस, और एक फाउंडेशन ऑफ अप्लाइड नर्सिंग प्रैक्टिस है जो कि थ्रू आउट द ईयर रन कर रहा है। ठीक है, उसकी पहले ट्राइमेस्टर में भी कुछ क्लासेस ली, अब भी ले रहे हैं और सोन लेते रहेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये 3 मेड्यूल्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर में रन कर रहे हैं। मुझे इनके इनमें से ग्रो थ्रू होने के बाद, इनकी असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी। अब जो असेसमेंट्स हैं, फर्स्ट मेड्यूल इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग प्रैक्टिस, उसकी जस्ट 2 असाइनमेंट्स थी मेरी। फर्स्ट असाइनमेंट 2000 वर्ड्स की थी और वो सिंपल थी, 3 टॉपिक्स थे और उन 3 टॉपिक्स पे मुझे मतलब 3000 वर्ड्स लिखने थे, और वो टॉपिक आसान थे। लाइक मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट स्टिल लाइक प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं नर्सिंग में, सिमिलर लाइक दैट। वो आपको जब देते हैं असाइनमेंट ब्रीफ, उसे कहते हैं असाइनमेंट ब्रीफ, में उन्होंने लिखा होता है 3 क्वेश्चंस, उन 3 क्वेश्चंस के आपने 2000 वर्ड लिखने हैं और आप पास कर जाते हैं। मसला थोड़ा सा आता है उसमें रेफरेंसिंग में, आपको आप लिख तो लेते हैं बट आपको रेफरेंस हर बात, नर्सिंग की असाइनमेंट में हर चीज़ रेफरेंस्ड होनी चाहिए। और हमारी यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल है, तो हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल में अगर आपकी रेफरेंस नहीं है तो यू फेल्ड द असाइनमेंट, वो आपको फेल कर देता है कि भाई आपने रेफरेंस आपने कहाँ से उठाई है ये बात। तो हर चीज़ रेफरेंस्ड होती है, और फर्स्ट असाइनमेंट मैंने बहुत आसानी से पास कर ली, तो अच्छे मार्क्स भी आ गए थे मेरे और क्वाइट ईजी था। बट यह है कि मुझे टाइम लगा था काफ़ी, मैंने पहले क्रैक की असाइनमेंट को पहला पहला पार्ट लिखा, दूसरे क्वेश्चन के लिखे क्वेश्चन पे, तीसरे के लिखे, फिर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखे, फिर असाइनमेंट को जमा किया, फिर रेफरेंसिंग की, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मैं असाइनमेंट लिख रहा था तो मेरे लिए काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट ये है कि एट द एंड मैंने पास कर लिया और बहुत अच्छे ग्रेड्स आए। अच्छा, तो उसी मेड्यूल की जो दूसरी असाइनमेंट है वो थी केस स्टडी की। केस स्टडी क्या थी कि एक टॉम्स पेशेंट है और उसे डमेंशिया हुआ हुआ है और लेग अल्सर है उसे, और हार्ट हार्ट फेलियर के साइंस हैं उसे, अर्ली साइंस हैं। तो उस ये एक सिनेरियो दे दिया, केस दे दिया। अब उसके नीचे 5 क्वेश्चंस थे कि भाई इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्किंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू नो टॉम, कि आप क्या समझते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। फिर ये था प्रोफेशनल वैल्यूज एंड लाइक सिमिलर लाइक दैट, 5 क्वेश्चंस थे और 5 क्वेश्चंस को क्रैक करना था इस 3000 वर्ड की असाइनमेंट में। और हमें सब कुछ गाइड करती है यूनिवर्सिटी, जो आपका मेड्यूल लीडर होता है वो आपको सब कुछ बताता है कि भाई क्या करना है। और शी लाइक शी हेलन इज आवर मेड्यूल लीडर, उसने बताया कि भाई आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्किंग के बारे में लिखें, और लिखने के बाद फिर उसे कनेक्ट करें टॉम के साथ, ठीक है, लिंक बनाएं और हर चीज़ को रेफरेंस्ड करें तो आप क्रैक कर लेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली मैं फेल कर गया था साइंस, ठीक है, और जस्ट बिकॉज ऑफ रेफरेंसिंग, क्योंकि मैं समझा कि भाई ठीक है, मैं हर मतलब पैराग्राफ में एक दो रेफरेंस यूज़ करता था, ज़्यादा स्टडी नहीं, टाइम नहीं था मेरे पास, तो उन दिनों मैं थोड़ा सा बीमार भी हो गया था, तो मैंने ऐसे हर हर पैराग्राफ में 2 सिर्फ यूज़ किए उस वक्त, मुझे लग रहा था कि मैं फ़ेल कर जाऊँगा, तो रेफरेंसिंग की वजह से उसने कहा भी मुझे फ़ेल कर दिया कि भाई आपने रेफरेंस नहीं किया अच्छी तरह। नो आई मैंने दोबारा सबमिट किया है, स्टिल मैंने दोबारा जब बनाई तो फिर मैंने अपनी मेड्यूल लीडर को सेंड की, उसने भी जिसने चेकिंग करनी है उसको सेंड की, उसने कहा कि आपको वो रिमार्क्स देगी कि भाई हाँ ये ठीक है या इसमें कोई चेंजिंग करनी है। तो 10 दिन बाद मुझे आया कि इट्स गुड, सबमिट इट, तो मैंने सबमिट कर दिया। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा तो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये आपकी सेकंड असाइनमेंट है, तो ये 2 असाइनमेंट आपने जब कंप्लीट कर ली तो आपका फर्स्ट मेड्यूल क्लियर है, नथिंग और कुछ नहीं है, पहला मेड्यूल आपने पास कर लिया। 9 मेड्यूल जो 3 साल में करने हैं उसमें पहला मेड्यूल आपका पास है। और
अब मैं जो कि दूसरा मेडूल जो है इंटीग्रेटेड नर्सिंग प्रैक्टिस उसका बताता हूँ। उसकी है तीन चीज़ें, उसकी तीन पार्ट्स हैं, तीन चीज़ों को पास करने से मेडूल पास होगा। उसमें नंबर वन है एग्ज़ाम, उसमें MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान है, ठीक है। वो क्या है, उसमें सिस्टम्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स मतलब ऑर्गन सिस्टम्स, और वो 12 ऑर्गन सिस्टम आई थिंक 9 है कि 11 है कि 12 हैं, मुझे याद नहीं है क्योंकि अभी वो हम पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट ही हुआ है तो हमने 5 पढ़ ली हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो लाइक दैट। ये सारे सिस्टम्स के बारे में आप समझ लें कि नोट्स हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं। एक एक क्लास होती है 3 घंटे की, तो उसमें एक कहूट का भी पीरियड होता है, कहूट एक प्लेइंग गेम है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, फिर पूरी क्लास अपने मोबाइल पे उसका आंसर देती है, फिर वो काउंट करते हैं हर बंदे हर हर स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, और देन उनको वेरीफाई किया जाता है, और जो फर्स्ट आता है फिर उसको प्राइज़ दिया जाता है। बड़ा इट्स लाइक फनी। और वो आपकी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और वो उन्हीं में से आने हैं जो कि हमें पढ़ाए जा रहे हैं सिस्टम्स। तो सिस्टम्स हमने, मैं तो पढ़ के आया हूँ, और मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी लाइक प्रीवियस स्टडी में अच्छी तरह पढ़ के आते हैं, तो वो इतनी मुश्किल नहीं होता क्रैक करना। और दूसरी जो चीज़ है वो है असाइनमेंट, 3000 वर्ड्स की असाइनमेंट है, जो कि अभी तक मुझे जो उन्होंने बताया है क्लास में वो यही है कि पहले असाइनमेंट कुछ और थी, कि जिस तरह फर्स्ट मेड्यूल की असाइनमेंट थी सिमिलर टू दैट, बट अब उन्होंने चेंज कर दिया इस साल कि हमने कुछ भी, कोई म्यूज़िक, कोई भी पिक्चर, कोई भी ऐसा चीज़ उठानी है जिसमें एक बंदे की हेल्थ के बारे में बात हो रही हो, लाइक उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा हो कि एक पिक्चर है उसमें एक बंदा है वो मतलब बीमार है, इस तरह गिरा हुआ हो, या कुछ कुछ ऐसा है जिस तरह उसकी हेल्थ रिलेटेड कोई पिक्चर है, उसको पकड़ना है, और उसको पकड़ के उस फिर क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के मुताबिक उस 3000 वर्ड्स लिखने हैं, उस पीस ऑफ लाइक पीस ऑफ पिक्चर हो, पीस ऑफ म्यूजिक हो, जो भी चीज़ है उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। तो असाइनमेंट रेफरेंस्ड होनी चाहिए, बात रेफरेंस पे, असाइनमेंट रेफरेंस्ड होनी चाहिए, और उस पर आपने लिखना है तो आप पास कर जाएंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी तक मैंने नहीं देखा, बट मैंने क्लास ली थी तो उन्होंने उसमें बताया था कि वो रेफरेंस होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आपने वो लिखने हैं, क्योंकि अभी वो जून में है असाइनमेंट, तो अभी टाइम काफ़ी है। और तीसरी इसमें है पोस्टर, वो 10 मिनट की वीडियो होगी रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बारे में अभी कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, अभी सिर्फ इतना ही बताया कि वो पोस्टर है, 10 मिनट की वीडियो होगी किसी टॉपिक के बारे में होगी, तो वो हमने रिकॉर्ड करनी है, और रिकॉर्ड करके हमें सबमिट करवा देनी है, और देन हम लाइक अगर वो उसके मुताबिक हुआ तो हम पास कर जाएंगे, तो हमारा दूसरा मेडूल इंटीग्रेटेड नर्सिंग प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाएगा। फाउंडेशन ऑफ अप्लाइड नर्सिंग प्रैक्टिस जो कि तीसरा मेडूल है, जो कि पूरे साल रन कर रहा है, वो बेसिकली प्रैक्टिकल मेडूल है, प्रैक्टिकम, क्योंकि फर्स्ट ट्रमेस्टर में हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाया गया कि भाई किस तरह अपने पेशेंट को हर तरह की वो चीज़ें, प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं वो सारी बताई गई, मूविंग एंड हैंडलिंग सिमिलर, लाइक किस तरह आपने CPR करना है, किस तरह आपने वॉशिंग करनी है पेशेंट की, या पेशेंट की ड्रेसिंग करनी है, ठीक है। ये ऑल चीज़ें हमें बताई गई थी फर्स्ट सेमेस्टर में फाउंडेशन ऑफ अप्लाइड नर्सिंग प्रैक्टिकली, और अभी भी वही चल रहा है। तो इसमें हम पास करने के लिए इसके भी तीन ही हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट नंबर वन वो है, वो भी एक एग्ज़ाम है, ठीक है, और वो भी MCQ एग्ज़ाम होगा, सेफ मेडिकेट का। सेफ मेडिकेट एक वेबसाइट है जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी आपका अकाउंट बनाती है। यस्टरडे मैंने वो कंप्लीट किया, उसके कुछ टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिर उसकी आपने करनी है। वो बेसिकली क्या है, उसमें है कि डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन देता है, आपने उस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक मेडिसिन किस तरह लाइक एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को, मतलब कैसे इंजेक्शन देना है, और किस तरह आपने टैबलेट्स देनी है, किस तरह आपने कैप्सूल देने हैं, ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है वो एग्ज़ाम, ठीक है। और वो सारा ही लाइक ऑनलाइन है, आपका अकाउंट बन जाता है, आपने वहाँ पे ही पढ़ना है, और वो ही आपने प्रैक्टिस करनी है, और देन आपका एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और आपने वो पास करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इसका दूसरा है वो असाइनमेंट है, वो 2000 वर्ड्स की असाइनमेंट है, उसका अभी तक मुझे कोई नहीं अल्लाह वाला बता, क्योंकि वो भी जुलाई में है,
और एक इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जो कि एंड ऑफ द ईयर सितंबर में है इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वो पास करना है, तो ये मॉड्यूल भी पास हो जाएगा। सो क्रैकिंग ऑल दीज थिंग्स वी पास द ईयर, जब हम पास कर गए द ईयर तो हम लेवल 4 पे चले जाएंगे। तो कितना है ये, 3, 3 और 2, 8, ये 8 कंपोनेंट हैं जो कि हमने पास करने हैं, तो हम फर्स्ट ईयर पास कर जाते हैं नर्सिंग की। प्रैक्टिकल का जो है वो मैं आपको अगली इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि मेरी इस प्लेसमेंट कैसी है और क्या होता है प्लेसमेंट में, क्या करना होता है। और स्टिल जो कि मॉड्यूल्स के बारे में है कि भाई स्टडी में क्या है, तो वो ये है, जस्ट ये है, ठीक है। आपने अपनी अटेंडेंस देनी है और ये चीज़ें पास करनी है। इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, और आप पास द ईयर, आप फर्स्ट ईयर पास करें। सेकेंड ईयर का अभी मुझे नहीं पता, उसमें भी 3 मॉड्यूल होंगे, तो थर्ड ईयर में 3 मॉड्यूल हैं, तो इन दिस वे आपका ये कोर्स लाइक कंटिन्यू रहता है। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने प्रैक्टिकल प्लेसमेंट के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।